नाटक के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड वाले उसको संभालते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, उस तरीके से हम आपको बताया गया कि जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनकी क्या दशा होती है जब हम जंगलों को जलाते हैं या फिर वहाँ पर आग लग जाती है, और जिसका सबसे बड़ा कारण वही होता है पर्यावरण प्रदूषण। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि प्लास्टिक को हमारे को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, अचानक से हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते पर कम कम करके हम एक आदत डाल सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम पर्यावरण को प्रदूषण ना कर अपने तरीके से प्रदूषित ना करें, और हम लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, जितना हम कर सकते हैं हम पूरा योगदान देंगे अपना। आज हमने हमारे पूरे स्कूल ने यहाँ पे रैली की है और हमने सभी को जागरूक किया कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, और आज के बाद ना हम खुद प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। और नाटक के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि प्लास्टिक से कई नुकसान होता है हमारा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।